नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते हैं आपको झांसी में मऊरानीपुर नगर के मध्य से निकली सुखनई नदी के पुल पर बैरिकेटिंग न होने की वजह से कई घटनाएं घट चुकी है और लोगों को वाहन सहित गिरने का भय बना रहता है। जानकारी के अनुसार दमेले चौक से गौरव गेस्ट हाउस जाने वाली रास्ता में सुखनई नदी में पूर्व सरकार के द्वारा बनवाया गया रिप्टा से लोगों के आने जाने के लिए सुगम रास्ता तैयार किया गया था। कुछ समय रिप्टा के दोनों ओर बैरिकेटिंग लगाकर सुरक्षा व्यवस्था का पूर्ण ध्यान दिया गया था, लेकिन नदी का पानी रिप्टा से निकल जाने के बाद बैरिकेटिंग तेज बहाव के साथ बह गई थी। तब से आज तक न कोई बैरिकेटिंग लगाई गई, न राहगीरों की व्यवस्था के लिए कोई पुख्ता इंतजाम किए गए। नगर पालिका के द्वारा रिप्टा पर लाखों रुपए के बिजली के पोल लगवाए गए थे, उनका भी कोई पता नहीं है। आलम यह है, नगर के आने जाने का मुख्य मार्ग के कारण उक्त रिप्टा से हजारों वाहन व राहगीरों तथा स्कूली बच्चे निकलते रहते हैं। कभी भी वाहन चालक असंतुलन होकर नदी में गिर सकते हैं। ज्ञात हो कि लगभग 4 वर्ष पूर्व नगर के 2 युवक बैरिकेटिंग न होने के कारण रिप्टा पर पानी के बहाव से नदी में बह गए थे और जिनकी मौत भी हो गई थी। उसके बाद भी स्थानीय प्रशासन व नगर पालिका के द्वारा रिप्टा पर कोई बैरिकेटिंग का इंतजाम नहीं किया गया। इस समस्या को देखते हुए नगर के समाजसेवी राजेंद्र राहुल, महेश साहू, पवन प्रजापति, राकेश पहलवान आदि ने नगर पालिका प्रशासन से रिप्टा पर बैरिकेटिंग लगवाने की मांग की, जिससे कभी भविष्य में कोई घटना न घटे। झांसी से गिरबर सिंह की रिपोर्ट।